सरकार द्वारा इस साल तिरंगा फहराने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे में अगर आप तिरंगा फहराने जा रहे हैं, राष्ट्र के ध्वज को सम्मान देने जा रहे हैं, तो उन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तिरंगा फहराने में इन नियमों में उल्लंघन होता है तो इसे तिरंगे का अपमान माना जा सकता है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में वो कौन से नियम है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम सब जानते हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा। इसके अलावा मशीन से बने पॉलिस्टर से बने झंडे का भी लोग फहरा सकेंगे। संशोधन के पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल हाथ से बना हुआ या काटा हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बने झंडे को ही फहराया जा सकता था। सरकार बहुत से नियमों को बदला गया है जो झंडे के सम्मान के लिए बहुत ही जरूरी है, और इन नियमों को हमें जानना बेहद जरूरी है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला, तिरंगा फहराते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग का हिस्सा ऊपर हो और हरे रंग वाला हिस्सा नीचे हो। दूसरा, हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झंडा कटा फटा, गंदा या अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की सलामी में नहीं झुकाना चाहिए। चौथी बात मैं और करूंगा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई अन्य ध्वज या ध्वज पट उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाएगा, और ना ही ध्वजारोहण के दौरान कोई फूल या माला या प्रतीक सहित कोई वस्तु जिससे राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है इसके ऊपर नहीं रखी जाएगी। उत्सव थाली आदि में किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए तिरंगा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन में, फर्श पर, पानी पे नहीं रखा जाएगा, और फहराते समय इन चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तिरंगा जिस खंभे, डंडे आदि में फहराया जाएगा उसमें कोई दूसरा ध्वज नहीं लगा होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के हिस्से में चित्रित नहीं किया जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति के कमर के नीचे पहना जाता है, या ना ही कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगार्मेंट्स या किसी कपड़े में कढ़ाई या मुद्रित रूप में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता के मेज को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा, और ना ही वक्ता के मंच को इससे लपेटा जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हुए तिरंगा जरूर लहराइए। धन्यवाद। Please like, share and subscribe our channel, RM Education Academy.